माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री से निवेदन है, रिमोट द्वारा प्रदेश की 2370 करोड़ लागत के विभिन्न परियोजना का शिलान्यास करें। हर सिद्धि की नींव में होता है एक संकल्प, और हर संकल्प की नींव में होता है एक विश्वास। हमारे देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प और हमारे कर्तव्य निष्ठ संघ प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के अथक प्रयासों के चलते दीव, दमन एवं दादरा और नगर हवेली में कई विकास कार्यों को आकार दिया जा रहा है। और आज संघ प्रदेश का सौभाग्य है कि माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से 2370 करोड़ रुपयों की लागत के 49 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसमें शामिल है दमन डिस्ट्रिक्ट के 182 करोड़ रुपयों की लागत के 9 प्रोजेक्ट्स, दीव डिस्ट्रिक्ट के 340 करोड़ रुपयों की लागत के 10 प्रोजेक्ट्स, दादरा और नगर हवेली के 1847 करोड़ रुपयों की लागत के 30 प्रोजेक्ट्स, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं तीनों जिले में 3 नेशनल हाईवे और विविध MDR एंड ODR रोड्स का पुनर्निर्माण एवं विस्तृतीकरण, सिलवासा में 480 बेड का अत्याधुनिक श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल के फेज 2 का निर्माण, जल आपूर्ति योजना का विस्तार, सुवेज नेटवर्क इत्यादि प्रोजेक्ट्स के साथ साथ शिक्षा एवं प्रवासन क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण परियोजना आकार ले रही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स जब आकार लेंगे और कार्यरत होंगे तो समग्र संघ प्रदेश के नागरिकों को मिलेगी एक सफल और सरल वर्तमान एवं एक उज्जवल भविष्य की भेंट। संघ प्रशासन का प्रयास, वेगवान विकास का विश्वास। धन्यवाद। माननीय अतिथि महोदय से अनुरोध है, आपके शुभ हस्तों से प्रदेश की 78 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न परियोजना का लोकार्पण करें। हो रहा है लोकार्पण खुशियों का, लोकार्पण सुविधाओं का, लोकार्पण विकास का, हो रहा है लोकार्पण एक सुनहरे कल का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और संघ प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी की कार्य दक्षता के परिणाम स्वरूप आज संघ प्रदेश ने प्रगति को एक नई परिभाषा दी है। और आज माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से लगभग 78 करोड़ रुपयों की लागत के 4 प्रोजेक्ट का लोकार्पण होने जा रहा है, जिनमें मुख्यतः लगभग 9 करोड़ की लागत से सुरक्षा में हमेशा तत्पर पुलिस जवानों के 28 परिवारों के लिए दमन के दमनवाड़ा में आधुनिक पुलिस हाउसिंग क्वार्टर, बच्चों के उज्जवल भविष्य की चिंता करते हुए दादरा और नगर हवेली में लगभग 41.5 करोड़ की लागत से झंडा चौक स्कूल का विस्तृतीकरण, डॉक माडी में लगभग 8.5 करोड़ की लागत से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज में अंडरग्राउंड पार्किंग एवं सुंदरता हेतु ऑडिटोरियम के आगे खूबसूरत लैंडस्केपिंग, कराड़ स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और IHMCT दोनों कैंपस का लगभग 13 करोड़ की लागत से नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण। संघ प्रदेश को उन्नति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध संघ प्रशासन ने हर क्षेत्र में विकास को नई तरह से व्याख्यायित किया है। विकसित भारत का निर्माण है मोदी की गारंटी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आपकी आवाज को? मैं समझ रहा हूँ धूप है, मगर ऐसा नहीं चलेगा। जय श्री राम। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है?
जोर से बोलिए, बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी लोग दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित जिन्होंने यूटी को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, ऐसे प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी, भारत सरकार के सम्माननीय गृह सचिव श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी, और आज संघ प्रदेश से कोने कोने से आए हुए भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं हेलीकॉप्टर से प्रफुल्ल भाई को बता रहा था, इतनी चिलचिलाती धूप में ऊपर कपड़ा नहीं डाला है, कैसे बैठेंगे लोग? मगर सबसे पहले आपके धैर्य और उत्साह को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, इतनी चिलचिलाती धूप में आप बैठे हैं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज वीर सावरकर की पुण्यतिथि है, इस मौके पर वीर सावरकर को हृदय से प्रणाम करना चाहता हूं। वीर सावरकर जी ने अपना पूरा जीवन भारत को आजाद करने के लिए और आजादी मिलने के बाद भारत को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए जिया है। वीर सावरकर जैसे लोग, ऐसे महापुरुष एक सहस्त्र साल में कदाचित एकाध बार जन्म लेते हैं। मैं वीर सावरकर को बार बार प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज यहां हमारे प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में दमन की 10 परियोजना 191 करोड़ रुपए की, दीव की 10 परियोजना 340 करोड़ रुपए की और दादरा नगर और हवेली की 1916 करोड़ की 33 परियोजनाओं का लोकार्पण या भूमि पूजन हो रहा है। कुल मिलाकर अनेक प्रकार के काम आज यहां पर हो रहे हैं। इसके साथ साथ विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देना चाहता हूं, जिनको घर भी मिला है और गैस का चूल्हा भी मिला है। सभी लोग माताओं बहनों के लिए जोर से एक बार ताली बजाओ जरा, आज उनके लिए बड़ा खुशी का दिन है। मित्रों, भारत का चुनाव, लगभग 100 करोड़ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, नई सरकार चुनेंगे, और मैं तो आज अपील करने आया हूं, संघ प्रदेश की तीनों सीटें मोदी जी के झोली में डालकर आप 400 पार करा दीजिए। मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर ढेर सारे काम किए हैं, पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है मोदी की गारंटी का मतलब है 100% काम पूरा होने का वादा है। मोदी जी ने 11 करोड़ लोगों को शौचालय देने का काम किया, 11 करोड़ परिवार की माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 13 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया,
60 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने का काम किया। लगभग 14 करोड़ घरों में पीने का पानी नल से पहुंचाया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 60 करोड़ गरीबों के जीवन में, दलित आदिवासी पिछड़ा समाज के लोगों के जीवन में, गरीबों के जीवन में सुविधाएं भरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों और बहनों, कुछ काम तो ऐसे थे जो एक सदी तक नहीं हो ऐसा लगता था। हमने 90 के दशक से इस देश की जनता को वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाएगी। मैं 14 से 19 पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा जानते हो ना, राहुल बाबा को भाई जानते हो या नहीं? मुझे ताने लगाते थे, मंदिर वही बनाएंगे तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, आपने जितना रोकना था वो रोक लिया, तिथि छोड़ो, भूमि पूजन भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 तारीख को मोदी जी ने कर ली। और आज रामलला अयोध्या में अपने विराट भव्य मंदिर के अंदर शान के साथ विराजमान है। मित्रों, हम 1950 से संघर्ष कर रहे थे कि हम कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर देंगे। कोई विश्वास नहीं करता था, कैसे होगा। हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी कॉज के लिए, इसी काज के लिए शहीद हो गए। और हम नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मित्रों, 5 अगस्त 2019 के दिन मोदी जी ने धारा 370 से कश्मीर को मुक्त कराकर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम कर दिया। मोदी जी ने इस देश में नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्ति के कगार पर लाने का काम कर दिया है। मोदी भारत माता की। आ बाजू में कहीं नहीं आवतू, गर्मी लागे छे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आजना पावन पर्वे आपणी सौनी वच्चे उपस्थित भारत सरकारना गृह एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित भाई शाह साहेब, गृह विभागना सचिव भाई श्री भल्लाजी, संघ प्रदेशनी तमाम जिला पंचायतना सौ चूंटायेला सदस्य मित्रों, नगरपालिकाना सौ चूंटायेला सदस्य मित्रों, मारी तमाम ग्राम पंचायतना सरपंचश्री अने चूंटायेला सदस्य मित्रों, मोटी संख्या में पधारेला आदरणीय वडीलो माता बहनों, सौ लाभार्थी भाईओ बहनों अने वाला विद्यार्थी भाईओ बहनों, मित्रों, आपणा सौनु सौभाग्य छे आ संघ प्रदेश उपर भारत सरकार अने विशेष करी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अने आदरणीय गृहमंत्री श्री ने आपणा उपर विशिष्ट कृपा रहेली छे। आ कोरोनाना 2 वर्षना बाद करता मात्र 5 वर्षना टूंका गाळामां
માન્ય ગૃહમંત્રીશ્રીની આ બીજી મુલાકાત છે, આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીની ત્રણ મુલાકાત થઈ છે. મિત્રો, કલ્પના કરો, આવડો ટચુકડો સંઘ પ્રદેશ જેની કુલ જનસંખ્યા માત્ર 7 લાખ, એવા સંઘ પ્રદેશમાં ભારત સરકારના આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી અને ગૃહમંત્રીશ્રી જ્યારે અહીંયા આવી નિરંતર રીતે આપણી કાળજી લેતા હોય, આપણી ખબર અંતર પૂછતા હોય, આપણી દરેકે દરેક બાબત પર ચિંતા કરતા હોય, આપણા વિકાસની ચિંતા કરતા હોય, આપણા આરોગ્યની ચિંતા કરતા હોય, આપણા શિક્ષણની ચિંતા કરતા હોય, આનાથી વધારે સૌભાગ્ય બીજું શું હોય છે કે મિત્રો? એમને કોઈ બાબતમાં પાછી પાની નથી કરી. અને આપણા આગળ જ્યારે આવા એવા ગૃહમંત્રી પધાર્યા છે, એમની કીર્તિ સમગ્ર દેશ નહીં વિદેશમાં પણ છે. એમના માટે રાજનીતિના ચાણક્ય શબ્દ આ પણ કદાચ નાનો પડે એટલી વિચક્ષણ બુદ્ધિ ધરાવે છે. મિત્રો, આ આપણા માટે કેટલો સુભગ અવસર, એવા ગૃહમંત્રી શ્રી, દેશ આઝાદ થયો એ વખતે 500 કરતાં વધુ રજવાડાઓનું વિલીકરણ સરદાર પટેલ સાહેબે કરી લીધું હતું. એક કાળી ટીલી આ વિલીનીકરણમાં જેને કહી શકાય એવું એક જમ્મુ કાશ્મીર આ સંપૂર્ણ વિલીનીકરણમાં એ બાકી રહી જતું. કણાની માફક ખૂંચતું હતું એમ કહું તો કશું ખોટું નથી. આદરણીય ગૃહમંત્રીશ્રીએ બંધારણની કલમ 370 નાબૂદ કરી. કેટલો રાજીપો દેખાય જુઓ તો ખરા. એક ઝાટકે કલમ 370 નાબૂદ કરી જમ્મુ કાશ્મીરને ભારતનું અભિન્ન અંગ જેને બનાવ્યું છે. આપણે સૌ એકવાર આદરણીય ગૃહમંત્રીશ્રીને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપીએ. મિત્રો, એટલેથી વાત અટકી નથી જતી. એ કર્યા પછી પણ લોકો અનેક જાતની વાતો કરતા હતા. આ વિલીનીકરણ પૂર્ણ થયા પછી, બંધારણની કલમ 370 હટાવ્યા પછી જમ્મુ કાશ્મીરની સ્થિતિમાં કંઈક ગરબડ થશે અથવા તો સમસ્યા ઊભી થશે. કેવું વિરાટ વ્યક્તિત્વ, કુશળ વહીવટ કરતા કોઈની તાકાત નથી, મજાલ નથી, કાશ્મીરમાં કોઈએ કાંકરી ચાળો પણ નથી કર્યો, એનું સંપૂર્ણ શ્રેય દેશના ગૃહમંત્રીશ્રીને જાય છે. એનાથી આગળ મિત્રો અનેક કામ કર્યા છે, સપ્તાહ બેસાડવી પડે એવી સ્થિતિ છે. પરંતુ મોટી મોટી વાત કરું છું મિત્રો, દેશની આઝાદી પછી અંગ્રેજોની ગુલામી કાળના એવા અનેક કાયદાઓ હતા, એવા અનેક પદચિહ્નો હતા કે જે આપણને સતત રીતે ખૂંચતા રહે. અને એમાંનો એક ગુલામી સમયનો કાયદો જેને આપણે આઈપીસી કહીએ, સીઆરપીસી કહીએ, એવિડન્સ એક્ટ કહીએ, એક ઝાટકે આ ત્રણેય ત્રણ કાયદામાં બદલાવ કરી અને સજા કરવા માટે નહીં પણ ન્યાય આપવાના હેતુથી ઉત્તમ કાયદાઓનું સર્જન કર્યું હોય તો શ્રદ્ધેય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબે કર્યું.